ओपेक प्लस की बैठक पर फोकस है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की ईजीएम बुलाने पर इन्वेस्टको की मांग पर एनसीएलटी में आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि जी एंटरटेनमेंट इस मामले पर इन्वेस्टको के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, तो इस ट्रिगर पर फोकस रखना होगा। इसके अलावा कल 5 अक्टूबर को भारतीय एयरटेल राइट्स इश्यू खुलने जा रहा है, इस पर नजर रहेगी। एंटाइटलमेंट रेशियो यहां पर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 14 शेयर रहेगा और प्राइस जो है 535 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। स्पाइस जेट बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट दोबारा से उड़ान भरने जा रहा है कल, तो इसके चलते स्पाइस जेट पर नजर रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पर कल सुनवाई होने जा रही है। स्टार सीमेंट का बायबैक कल बंद हो जाएगा, बायबैक प्राइस 150 पर शेयर तय किया गया है। वहीं मोल्टेक पैकेजिंग पार्टली पेड शेयर की फर्स्ट और फाइनल कॉल की कल शुरुआत होती हुई दिखेगी। बुधवार के दिन 6 अक्टूबर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगी। नजारा टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखना होगा। बुधवार को बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने और ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज को शेयर जारी करने पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। और आईनॉक्स विंड पर एक बार नजर रखें, पूंजी जुटाने को लेकर बुधवार के दिन कंपनी एक बोर्ड बैठक करने वाली है। काफी सारी खबरें आई है जिसमें कुछ ऑर्डर विंस की भी खबर है। सबसे पहले एनसीसी इस कंपनी को 444 करोड़ के 2 नए ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा करूर वैसा बैंक, इस बैंक ने अपना अपडेट दिया है सितंबर का। एडवांसेस जो है 50,410 करोड़ से बढ़कर 53,850 करोड़ पे आए हैं। डिपॉजिट जो है 61,100 करोड़ से बढ़कर 65,400 करोड़ के आसपास आए हैं। मैन इंफ्रा बोनस शेयर जारी करने पे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 2 शेयर पे 1 बोनस शेयर का ऐलान किया गया है। बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 1.26 रुपए का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। केपीआईटी टेक व्हीकल सिमुलेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर में ये कंपनी जो है अपना निवेश बढ़ाने वाली है। क्विक हील सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स के नए वर्जन ग्राहकों के लिए इस कंपनी ने लॉन्च किया है। नए प्रोडक्ट के जरिए ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा जो है वो ये कंपनी बढ़ाएगी। सीएट क्लीन विन एनर्जी में इस कंपनी ने 26% हिस्सा खरीद लिया है। मैक्स हेल्थ गुरुग्राम में 1000 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल जो है वो ये कंपनी खोलेगी। हॉस्पिटल बनाने में करीब 1600 करोड़ के आसपास का खर्च होगा। 4 से 6 साल में हॉस्पिटल जो है वो बनके तैयार होने की उम्मीद है। अल्बर्ट डेविड इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है प्लेजेंट्रिक्स, उसको कोरोना रेमेडीज के साथ जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। टेमेसेक इसमें इंटीग्रेस में 540 करोड़ के आसपास का निवेश किया है, ऐसी खबरें आई है। टाटा कम्युनिकेशन सिस्को सिस्टम्स के साथ इसने ग्लोबल साझेदारी बढ़ाई है अपनी। टाटा मोटर्स इस कंपनी के लिए खबर आई है कि कंपनी ने टाटा पंच एसयूवी जो है वो लॉन्च कर दी है। एसयूवी मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए जो नया मॉडल है वो लॉन्च किया गया है। 21,000 की शुरुआती रकम के साथ ग्राहक जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, ये शुरुआती रकम है याद रखिएगा। इसके अलावा निपॉन लाइफ इंडिया, यहाँ पे LIC ने अपनी हिस्सेदारी जो है 0.032% से बढ़ाई है। इसके अलावा इंडस टावर यहाँ 39 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए और ट्राइडन में 11 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए, 30.85 रुपए के भाव पे ट्राइडन में सौदे हुए हैं।